नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उनका साफ तौर से कहना, प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में साबित होगा रीवा का सिरमौर चौराहा घोटाला। लगभग 900 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया। 1000 करोड़ की जमीन 100 करोड़ रुपए में दे दी, सनसनीखेज आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने रीवा में। उनका कहना था, यह काम बगैर मुख्यमंत्री की सहमति के नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के नाक के बाल कहे जाने वाले विधायक ने यह काम किया है। अलग अलग एजेंसियों को काम देकर 50-50 में माल खाने का काम चल रहा है। जिस तरीके से मोदी दिल्ली में कर रहे हैं, उसी परंपरा को निभा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ के विधायक। गरीबों को उजाड़ कर बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक ने पिछले दिनों, पंचूलाल ने विधानसभा में भी यह मामला उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से दबाव डालकर उन्हें सदन में अनुपस्थित कर दिया गया। रीवा के सिरमौर चौराहे पर 78 दुकानों के विस्थापन वाली जगह पर पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर एक के बाद एक निशाने लगाए। उनका कहना था, सिरमौर चौराहे में 20,000 रुपये स्क्वायर फीट जमीन है, जिसके हिसाब से ये जमीन 1000 रुपये करोड़ की होती है, लेकिन 100 करोड़ रुपये में ही बिल्डर को दे दी। ये सारा काम बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, लोकायुक्त में जाऊंगा, हाईकोर्ट में जाऊंगा, लेकिन गरीबों के हक में लड़ाई लड़ूंगा। मेरा सवाल है, 2-3 ठेकेदारों को काम क्यों मिल रहा है? वेबसाइट बंद कर दी जाती है, रात को चुपचाप वेबसाइट खोली जाती है, मनचाहे ठेकेदार की निविदा डाल दी जाती है। प्रदेश की शिवराज सरकार गरीबों के हक में बात करने वाली, गरीबों को लूटने वाली सरकार का काम कर रही है। गोविंद सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, जितना डाकू मूरत सिंह और अन्य डाकुओं ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों को लूटा है। रीवा का यह घोटाला मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में कलंकित रूप से लिखा जाएगा। पूरे प्रदेश में सरकार ने अरबों की संपत्ति लूट ली है। सुनिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पूरे मामले को लेकर जब वो रीवा के सिरमौर चौराहे पर आए, सिरमौर चौराहे का भ्रमण करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक विधायक और मुख्यमंत्री के नाक के बाल रीवा को, जिले को लूटने में लगे हुए हैं। अलग अलग एजेंसियों के नाम से बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए 50-50 माल बीच में खाने के लिए षड्यंत्र रचकर गरीब व्यापारियों को, छोटे छोटे दुकानदारों को उजाड़कर पूंजीपतियों को देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार मोदी दिल्ली में कर रहे हैं, उसी परंपरा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ के विधायक, सत्ता पार्टी के नेता गरीबों उजाड़कर पूंजीपतियों को लाभ पहुँचा रहे हैं। अभी जो पुनर्गठीकरण योजना के नाम पर पुनर्गठीकरण योजना का मतलब है, जो ज़मीन दी जाए उसी स्थान पर डेवलप किया जाए उसको, और ऊपर का या साइड के ज़मीन का लाभ लिया जाए, अलग से कोई ज़मीन नहीं दी जाती। लेकिन जो ज़मीन ओपन ऑक्शन में अगर देना थी तो खुलेआम करीब ये ज़मीन जो एक बिल्डर को दी है, वो ज़मीन करीब करीब 1000 करोड़ से ऊपर की कीमत की है, लेकिन बिल्डर को केवल 100 करोड़ में दे दी गई। और ये 100 करोड़ के बीच का जो माल है, जो लूट होगी, उसमें 50-50% यहाँ के विधायक और सत्ताधारी पार्टी के नेता लेंगे। ये काम मुख्यमंत्री के बिना संरक्षण के हो नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पंचूलाल प्रजापति ने भी ये मुद्दा विधानसभा में
ध्यानाकर्षण के मामले से उठाया है और उस पर दबाव डालकर मुख्यमंत्री कार्यालय से उसको वहाँ अनुपस्थित कराया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में 100 करोड़ ज़मीन जो बिल्डर को दी है और अगल बगल के जो उसी ज़मीन की जो कीमत है अभी बिक्री हुई है वो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट है। 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन कीमत वाले ज़मीन को करीब 500 करोड़ रुपए बीच का लेन देन का मामला है। ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। इन योजना में 100 करोड़ की लगभग योजना में इस तरह के तहत ज़्यादा से ज़्यादा काम 24 महीने के लिए होता है, लेकिन उसमें भी साजिश रच कर वो उसके वो बढ़ा दी गई है, 30 महीने कर दिए है ताकि बिल्डर जल्दी काम कर सके। 24 वर्ष के पहले काम कर लेगा तो उसमें एक शर्त डाल दी है, बोनस दिया जाएगा जल्दी काम करेगा। उसमें अभी करीब 5 से 10 करोड़ का घोटाला किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा साजिश है। मध्य प्रदेश में अनेक घोटालों में इसका भी नाम मध्य प्रदेश के इतिहास में कलंक के रूप में लिखा जाएगा। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करता हूँ, आप गरीबों की बात करते हो लेकिन गरीबों को उजाड़ने का काम क्यों कर रहे हो? ऐसे आप अरबों रुपए की संपत्ति पूरे प्रदेश में जो जनता ने पूर्व की सरकारों को बचा के रखी थी उसको पूरी तरह से रीवा तो लूट लिया। जितना यहाँ के डकैतों ने मूरत सिंह और डाकू नहीं लूटा उससे 100 गुना ज़्यादा लूट मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब अन्य रीवा के निवासियों की लूट ली है। मैं कहना चाहता हूँ लूट बंद होना चाहिए, अन्यथा जिन जिन लोगों ने साजिश में षड्यंत्र में शामिल हुए हैं 2023 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन षड्यंत्रकारियों को साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक को चुनकर न्यायालय में पहुंचाया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।